हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज सर्कल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि रेलवे एनटीपीसी में किस सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए हम आप लोगों के सामने ये 2016 का पेपर लेकर आए हैं। हमने बहुत से ऐसे पेपर हैं 2016 के, जिसको हमने एनालाइज किया, उसके बाद हमने सभी से आंकड़ों को इकट्ठे करके आप लोगों के सामने प्रदर्शित करेंगे अभी कि किस सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं ये ग्रुप के तौर पर कि 2016 का ये पेपर है, सेकेंड शिफ्ट का है। आप टाइमिंग देख सकते हैं और इसमें देखिए ये लिखा है एनटीपीसी ग्रेजुएशन। आप लोगों को दिखा दें किस प्रकार से क्वेश्चन थे, तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप लोग, ये देख सकते हैं दोस्तों। हमने दोस्तों इसी के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं रेलवे एनटीपीसी में। आप लोगों को बता दें दोस्तों, इस बार का सिलेबस और 2016 का सिलेबस में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, सेम ही सिलेबस है। तो क्वेश्चन हमको सेम वही देखने को मिलेंगे कि जितने क्वेश्चन जिस सब्जेक्ट से पिछली बार पूछे गए थे उतने ही क्वेश्चन इस बार भी पूछे जाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे साइंस की। एनटीपीसी एग्जाम में साइंस के 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पिछली बार जो 2016 में एग्जाम हुआ था उसमें भी 10 से 12 क्वेश्चन साइंस के पूछे गए थे। तो दोस्तों, 2016 के का जो एग्जाम पैटर्न था और 2019 का जो एग्जाम पैटर्न है एनटीपीसी का, उसमें बहुत ज़्यादा सिलेबस में अंतर नहीं है, सेम वही पैटर्न पर आपके एग्जाम होंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जो साइंस का पार्ट है बायोलॉजी उसकी। तो बायोलॉजी से आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हर शिफ्ट में आपको बायोलॉजी से 3 से 4 क्वेश्चन अवश्य देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट बात हम लोग करेंगे फिजिक्स की। फिजिक्स में आपको 2 से 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को मिलेंगे। हो सकता है किसी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन भी देखने को मिले, किसी शिफ्ट में 3 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप लोगों को एक सजेशन और दे दूं मैं कि केमिस्ट्री में आवर्त सारणी को आप लोग जरूर पढ़ लीजिए। पिछली बार जो आवर्त सारणी से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे मिले थे हर शिफ्ट में, तो इस बार भी पूरी उम्मीद है कि केमिस्ट्री से आवर्त सारणी के क्वेश्चन आप लोगों को जरूर देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, ये रहा हमारा साइंस का। और आगे बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं अन्य जो सब्जेक्ट्स हैं हमारे उनका। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री से। तो हिस्ट्री के 4 से 5 क्वेश्चन रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो 2016 का एग्जाम हुआ था उसमें 4 से 5 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे गए थे हिस्ट्री से। आप लोगों को बता दें कि हिस्ट्री से एनटीपीसी में मध्यकालीन भारत के इतिहास से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो आप लोग मध्यकालीन इतिहास अच्छे से पढ़ लीजिए। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे भूगोल की। तो भूगोल से 4 से 6 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे एनटीपीसी एग्जाम में। आप लोग भूगोल से नदियों के बारे में जरूर पढ़िए, क्योंकि नदियों से रिलेटेड एक एक क्वेश्चन पिछली बार हर शिफ्ट में आया था। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे करंट अफेयर्स की। तो करंट अफेयर्स से 3 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। आप लोगों को बता दें कि रेलवे के जो एग्जाम हो रहे हैं, आपने ग्रुप डी में भी देखा होगा और 2016 एनटीपीसी के एग्जाम में भी ये स्थिति थी कि एक साल पहले की करंट अफेयर्स पूछ देते थे, तो विद्यार्थियों की बहुत सारी समस्याएं आई थी इसमें। तो आप लोग हो सके तो काफी दिन पहले की भी जो मेन मेन इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उसको तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे पॉलिटी की। दोस्तों, पॉलिटी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे आपको, 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे हर शिफ्ट में। दोस्तों, 2016 का जो एग्जाम हुआ था उसमें पॉलिटी से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिले थे पिछली बार, तो इस बार सेम सिलेबस की वजह से 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे एनटीपीसी के एग्जाम में। नेक्स्ट है दोस्तों स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एनटीपीसी के एग्जाम में। दोस्तों, पिछली बार जो देखा गया था एनटीपीसी के एग्जाम में स्पोर्ट्स से काफ़ी टफ क्वेश्चन पूछे गए थे। बेसबॉल और स्क्वैश जैसे खेलों से क्वेश्चन पूछे गए थे, जो हम लोगों ने कभी नाम ही नहीं सुने, ऐसे गेमों से क्वेश्चन पूछे गए थे। नेक्स्ट दोस्तों है कंप्यूटर। आप लोगों ने दोस्तों सिलेबस में देखा होगा कंप्यूटर सब्जेक्ट को भी मेंशन किया गया है, और पिछले बार जो एग्जाम संपन्न हुए थे उसमें कंप्यूटर से हर शिफ्ट में 2-2 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आप लोग कंप्यूटर को अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि श्योर है कि आप लोगों को 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे हर शिफ्ट में। नेक्स्ट दोस्तों है स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके में आपको कम से कम 8 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 11 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे स्टैटिक जीके में। अब बात करते हैं कि स्टैटिक जीके में क्या क्या शामिल होता है। तो भारतीय संस्कृत से संबंधित क्वेश्चन,
और पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन, बैंक से संबंधित क्वेश्चन, ये बहुत सारे क्वेश्चन मिलके स्टैटिक जीके, जिस हम लोग कह देते हैं कि स्टैटिक जीके, वो क्षेत्र हो जाता है और उससे काफी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। एक प्रकार से विविध, जिसमें हम बोलते हैं ना किताब के पीछे लिखा होता है विविध क्वेश्चन, तो वही चीज होती है स्टैटिक जीके। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और लेटेस्ट जॉब रिलेटेड न्यूज पाने के लिए हमारे चैनल नॉलेज सर्कल को भी सब्सक्राइब करिए। नॉलेज सर्कल ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।